तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आई एम अशिका, वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे रियल लेंसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस और उसके टेस्ट्स सीखने से पहले जो हमें आना चाहिए वो क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है और थोड़ी बहुत बेसिक डेफिनेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बेसिक डेफिनेशन से और अगली वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स और टेस्ट्स। तो ये बेसिक आपको पक्का आना चाहिए, तो ये स्किप मत करना, क्योंकि ये स्किप करोगे तो क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से, और इनके इस अगर बेसिक्स हमारे आज ही हो जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस भी आज ही कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, हम कब कहते हैं कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, उसी को कहते हैं कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास ए एन, हम बोलेंगे कि इट कन्वर्जेस टू अ लिमिट एल, कब बोलेंगे, जब ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसी कंडीशन है कि हमें क्या मिल जाए, एक एल मिल जाए जिसपे सीक्वेंस के सारे नंबर ऑलमोस्ट जा रहे हैं कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर, यानी कि सीक्वेंस एल के पास अप्रोच करिए कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़कर, कितने टर्म्स को छोड़कर, के टर्म्स को, इसी को रियल लाइन पे समझते हैं। मान लो हमारे पास ये कोई रियल लाइन है, रियल लाइन समझते हो, ये इस पे सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन, हम कब कहेंगे कि एल पे कन्वर्ज कर रही है, एल क्या है, एक पॉइंट है, एक रियल नंबर है जिसपे कन्वर्ज करिए। अगर ये ए एन इस पे कन्वर्ज करिए, इसका मतलब इस सीक्वेंस के मैक्सिमम पॉइंट्स इसके आसपास लाई कर रहे हैं, इसके बिल्कुल आसपास लाई कर रहे हैं, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सेवन ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, कितने कितने लाई करें यहाँ पे इन्फिनाइट, और इस इंटरवल के बाहर कितने लाई कर रहे हैं फाइनाइट, यानी कि ये इंटरवल क्या बना, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल बना, इस इंटरवल में सीक्वेंस के इन्फिनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और इसके बाहर सिर्फ फाइनाइट ही कुछ रह जाए, कितने रह जाए, के टर्म्स रह जाए, तभी हम कहेंगे कि सीक्वेंस किस पे अप्रोच करिए, एल पे अप्रोच करिए, और उसी एल को हम कह देते हैं लिमिट। उसके बाहर कितने टर्म्स आ जाने चाहिए, फाइनाइट, बाकी सारे एल के इंटरवल में ही आ जाने चाहिए, इसे एप्सिलॉन नेबरहुड भी कहते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल या फिर एप्सिलॉन इंटरवल। तो इस इंटरवल में अगर सब आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करिए, उसको अप्रोच करिए, और ये इसकी लिमिट बन जाती है, इसीलिए एल को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। ये हो गई कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, हम बहुत डिटेल में नहीं कर रहे, मैं आपको उतनी बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन हो जाए, तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं, पर हाँ इतना जाने से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक, डिटेल में हम करेंगे बाद में, पहले हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, नॉलेज के लिए बाद में, क्योंकि अभी इतना टाइम तो बचा नहीं कि हम ज़्यादा नॉलेज गेन करें, अभी इतना टाइम बचा है कि हम ट्रिक्स देखें और थोड़ा थोड़ा बेसिक करें जिससे कि हमसे क्वेश्चंस बन जाए और कोई नया क्वेश्चन है वो भी बन जाए, तो उतने बेसिक तो करने ही पड़ेंगे। तो ये थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ नॉर्मल से रिजल्ट्स जिसको देखते हम कह सकते हैं कि जी हाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कुछ नॉर्मल रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि अगर एक सीक्वेंस मोनोटॉनिक है और बाउंडेड है तो 100% हम क्या कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट है, फिर हमें डेफिनेशन से चेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन हमें हमने पढ़ी, डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें देखना पड़ेगा ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन आ रहे हैं नहीं आ रहे, और हर बार डेफिनेशन अप्लाई करना एग्जाम में लेंथी हो जाएगा, तो हम एग्जाम में ज्यादातर इनफैक्ट कभी भी शायद ना लगाए वाली अप्रोच, बहुत ही मुश्किल से वो अप्रोच लगाएंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, दूसरे तरीके देखने वाले हैं। तो उसमें से एक तरीका ये है, अगर हम प्रूव कर दें मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक यानी कि या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो या फिर कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों मान सकते हैं, या तो सीक्वेंस कैसी हो, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज यानी कि ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन ए एन ए एन प्लस वन, मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस में इनफिनाइट टर्म्स होते हैं, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब ये कैसी है कि ए वन क्या है, ए टू से छोटा है, ए टू क्या है, ए थ्री से छोटा है, एंड सो ऑन। अगर ऐसी सीक्वेंस है तो एक ऐसी सीक्वेंस हो गई इंक्रीजिंग सीक्वेंस,
तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोटॉनिक। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग मोनोटॉनिकली, अगर डिक्रीजिंग है ये तो हो गया इंक्रीजिंग मोनोटॉनिकली। अगर इसकी जगह होता ऐसे A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं डिक्रीजिंग मोनोटॉनिकली। और ये भी हो सकता है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, इसको कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं सो ऑन। तो इसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज हो तो हम इसको मोनोटॉनिक बोलेंगे। और बाउंडेड तो आप समझते हैं, बाउंडेड मतलब कि अगर हम दिखा दें कि An जितनी भी पूरी सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो किसी लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में लाए कर रहे हैं, अगर हम दिखा दें तो उसे बाउंडेड बोलते हैं। ऐसे दिखा दें या फिर ऐसा दिखा दें कि मॉड ऑफ An इज लेस देन M, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि An माइनस M और प्लस M के बीच में लाए कर रही है। तो यही कहीं या ये कहीं एक ही बात है, अगर हम मोनोटॉनिक दिखा दें और फिर हम ये वाला पार्ट यानी कि बाउंडेड दिखा दें तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। अगर आपको डेफिनेशन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है काफी है, जब हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे ना तो पूरा समझ में आएगा। मैं पहले सारी डेफिनेशन बता रही हूँ फिर क्वेश्चन कराऊंगी, इसका रीजन है अगर मैं बीच बीच में डेफिनेशन बताऊंगी ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी से डेफिनेशन बता दी और क्वेश्चन कराते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा रिपीट करूंगी तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। दो बार सुन लोगे ना थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बता रही हूँ उसको याद रखो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। तो ये बात है, मोनोटॉनिक हो या फिर बाउंडेड हो और दोनों सेम टाइम पे हो तो हम कह देंगे बिल्कुल कन्वर्जेंट है, डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं तीसरे बेसिक पे। अब तीसरा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर एक सीक्वेंस की दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस सेम लिमिट पे जाएं तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे जा रही है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो सेम लिमिट पे जाएं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस तो समझते हो ना, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ऐसी दो सबसीक्वेंस जो जिनको अगर हम ऐड कर दें, जिनको हम इकट्ठे लिख दें तो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी, जिनको हम इकट्ठे लिख दें तो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ए, ए एन एक सीक्वेंस है, किस टाइप की, A1, A2, so on, An+1 और चलती जा रही है, एक सीक्वेंस है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस बनाते हैं अगर हम ऐसे बनाएं A2n और A2n-1, इसका मतलब जो टर्म्स ऑड वाले नंबर पर आ रही है उनको इकट्ठे रख लो, यानी कि जो A2 की वैल्यू वो A4 और नी इवन A8, A10 ऐसी टर्म्स को इकट्ठे रख लो, जितनी भी इवन वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठे रख लिया, जितनी ऑड पोजिशन वाली टर्म्स हैं वो टर्म खुद ऑड नहीं होनी चाहिए, बस वो जिस पोजीशन पे लाई करनी है वो ऑड होनी चाहिए। तो ऑड पोजीशन वाली टर्म है उनको इकट्ठे रख लो, A1, A3, A5 ऐसे ऐसे ऑड पोजीशन वाली टर्म को इकट्ठे रख लो। तो अगर ये दो हम सबसीक्वेंस बना दें, ये भी इसकी सबसीक्वेंस है, इसमें कुछ टर्म आ रहे हैं, इसके सारे नहीं आ रहे, कुछ आ रहे पर एक ऑर्डर में आ रहे और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यही इसी को हम सबसीक्वेंस कहते हैं। इसके कुछ टर्म्स उठा लिए जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, इसको भी सबसीक्वेंस कहते हैं। और ये दो ऐसे सब सीक्वेंस है कि इन दोनों को अगर हम इकट्ठा लिख दें तो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी ना, इसको इकट्ठा करेंगे तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 पूरी सीक्वेंस वापस आ गई। तो ऐसी सब सीक्वेंसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस कहते हैं। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस सेम लिमिट पे जाएं तब हम क्या कहते हैं कि वो जो उसकी पेरेंट सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट है। और कौन सी लिमिट पर जाएगी, जिसपे दोनों इकट्ठी जाएंगी। याद रखना कि अगर ये दोनों अलग अलग पे जा रही है तो उसे कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अभी दे देती हूँ, ये देखो मान लेते हैं एक सीक्वेंस हमारे पास -1+1, -1+1 जाती रहेगी, -1+1 यही सीक्वेंस है। तो इसकी इसके लिमिट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, 1 और -1, एक बार 1 -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, ऐसी चलती रहेगी। तो -1 कितनी बार आ रहा है, इनफिनाइट टाइम्स आ रहे हैं, +1 कितनी बार आ रहा है, इनफिनाइट टाइम आ रहे हैं। तो हम इसके दो सबसीक्वेंस बना सकते हैं, देखो 1 -1, 1 -1, सो वन चलता जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास पूरी एक सीक्वेंस है 1 -1, 1 -1, इसकी सबसीक्वेंस बनाते हैं A2n और A2n-1। जरूरी नहीं कि हमेशा 2n 2n-1 लें, हम कुछ और भी ले सकते हैं जैसे कि बन जाए सबसीक्वेंस, हम A3n ले सकते हैं वो भी एक सबसीक्वेंस है, A3n+1 ले सकते हैं, कुछ भी लो सबसीक्वेंस है ये, पर हम ऐसे ले रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। आप कोई और भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकते हो, हम ये वाले बना रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सारे इवन प्लेसेस उठाओ, इवन ये क्या है, 1, 2nd place, 3rd place, 4th place, 5th place ऐसे है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, हमें सब इवन प्लेसेस उठानी है, यानी कि A2 सेकंड पोजीशन में जो टर्म है -1,
ऐसी फोर्थ पे जो टर्म है माइनस वन, ऐसी सिक्स पे जो टर्म है, तो हमारे पास सारे माइनस वन वाली एक सब सिक्वेंस बन जाएगी। इसी तरीके से सारे ऑड वाले उठाओ, ए वन ऑड पे जो टर्म है, ए थ्री ऑड पे जो टर्म है, तो हम ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास एक ऑड प्लेसेस वाली टर्म बन जाएगी, वो इसकी सबसिक्वेंस होगी। दो सबसिक्वेंस बन गई। अब ये सबसिक्वेंस है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट सबसिक्वेंस बन गई। किस पे जा रही है? क्लियरली वी कैन सी की ए टू एन किस पे जा रही है? माइनस वन पे जा रही है। ऐसी ए टू एन माइनस वन किस पे जा रही है? प्लस वन पे जा रही है। तो क्या ये दोनों सेम लिमिट पे जा रही है? नहीं ना, दोनों अलग लिमिट पे जा रही है। तो देखते हैं, पता चल रहा है कि ये कैसी है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि इसकी दो कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंसेस अलग अलग लिमिट पे जा रही है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सबसिक्वेंस सेम लिमिट पे जाए तो कन्वर्जेंट, अलग लिमिट पे जाए तो डाइवर्जेंट। समझ गए? छोटा सा एग्जाम्पल था, पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, एग्जाम्पल्स हैं, वो भी हम करेंगे। अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस देखते जा रहे हैं, जैसे कि फिर हमें एग्जाम्पल करने में प्रॉब्लम ना। अगली बात, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, हमने क्या किया था अभी जब हमने फर्स्ट रिजल्ट की बात की थी, तो हमने कहा था कि हमें कन्वर्जन दिखाना है तो डायरेक्टली दो चीज चेक करो, या मोनोटोनिक है और साथ में बाउंडेड है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि सीक्वेंस कैसी है? कन्वर्जेंट है। तो मोनोटोनिक आप चेक कर रहे हो, तो मोनोटोनिक चेक करते हुए अब एक और चीज ध्यान रख सकते हो, एक सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट पॉइंट हो सकता है। अब जब मोनोटोनिक देख रहे हो और आपको डायरेक्टली दिख गया कि इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था अभी, उस सीक्वेंस के कितने दो लिमिट पॉइंट थे? दो थे, वन और माइनस वन। तो अगर आपको दिख गया कि उसके एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो वो मोनोटोनिक नहीं है, तो आपकी हेल्प करेगी। तो मोनोटोनिक के ज्यादा से ज्यादा एक लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, कम से कम जीरो, यानी कि जीरो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं या फिर वन लिमिट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब करते हैं अगला रिजल्ट, वो है जॉर्डन इनइक्वालिटी। या आपने शायद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हुए सुनी हो या करी हो, है ना? तो करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो आपको ये आनी चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये क्या कहती है? ये कहती है ये वाली बात, साइन एक्स हमेशा एक्स से कम होता है और हमेशा ज्यादा होता है टू बाय पाई एक्स से। ये आपको बहुत बार सीक्वेंस से लिमिट निकालने में, सीक्वेंस को कन्वर्जन प्रूव करने में हेल्प करेगी। अब ये आई कहां से, उसका भी आइडिया दे देते हैं कि आई कहां से, एक मिनट पानी पीने दो। तो देखते हैं कि आई कहां से, आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है सबको, बस वही ड्रॉ करना है और फिर आपको ग्राफ से ही सब समझ में आ जाएगा। ग्राफ से बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो जब भी फंक्शंस की बात करें ग्राफ से सोचो, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, और ये क्या है? पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब हमें पहले साइन एक्स और एक्स को कंपेयर करते हैं, इसको भूल जाओ, साइन एक्स और एक्स को कंपेयर करो। अब ये क्या है? वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करके देखें तो कैसी होती है? कुछ ऐसा आएगा y इज इक्वल टू एक्स। अब आप बोलो कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करे, तो आप करके देख लो तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट है? जीरो। तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमने इंटरसेक्शन दिखा दिया, और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम, तो एक सेकेंड, तो अगर ऐसा है कि हमने ग्राफ देखा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब अगर हम सिर्फ राइट साइड देखें, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट देखें, अगर एक्स को जीरो से बड़ा रखें तो हम देख सकते हैं कि जो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है वो हमेशा वाई इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ के नीचे है, यानी कि हमेशा साइन एक्स की वैल्यूज जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स से कम आएंगी या फिर बराबर आ सकती है जब एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स। समझ में आ गई वाली बात ग्राफ से? ठीक है, इसमें तो कोई चक्कर नहीं था। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये वाली लाइन कहां से आई? इस ग्राफ को ना थोड़ा सा एम्पलीफाई करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये पाई बाय टू था, पाई बाय टू बोल रही हूँ, ये था पाई बाय टू कॉमा वन। ठीक है, साइन पाई बाय टू पे वन आता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स तो ऊपर कहीं जा रहे हैं, उसका हमें कोई काम नहीं है। अब हमें देखना है कि नीचे कौन सी लाइन जा रही है।
तो इसको ज्वाइन करके देखो जरा, ये ओरिजिन था 0,0 और ये क्या था पाइवट 2,1, ये हमारे पास पॉइंट था। क्या हम दो पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, 12th में सीखा हुआ हमने, तो निकालते हैं। कैसे होती है लाइन की इक्वेशन? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू, हाँ तो ये देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये y2 x2 y2 है और इसको मान लेते हैं ये x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी लाइन की हमारे पास, y2 माइनस दिस यानी कि 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 ये रहा y माइनस 0 अपॉन x माइनस x1 यानी कि x माइनस 0, ये बन गया। इससे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 y यानी कि y क्या आ गया 2 बाय पाई x, एंड इक्वेशन आ गई। और हमें दिख रहा है कि अगर हम x को कहां से कहां तक रखें, 0 से पाई बाय 2 तक ही रखें, तो पक्की बात है कि ये जो है साइन हमेशा इस लाइन से ऊपर रहने वाला है, यानी कि साइन हमेशा इन वैल्यूज से ज्यादा आने वाला है। यानी कि अगर हम ये पार्ट कब ट्रू है, जब हम x को कहां से कहां रखें, 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर हम x को रखें तो ऐसा पक्का होने वाला है। और ऐसा कब होने वाला था, साइन x x से कब कम था, ये तो सारे रियल नंबर के लिए जो भी पॉजिटिव लाइन पे थे, यानी कि ये ट्रू था फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम 0 से पाई बाय 2 के लिए लें तो ये दोनों बातें सही हैं, और अगर हम सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए लें और पाई बाय 2 तक ना जाए तो इस बात को हटा देंगे, सिर्फ ये वाली बात सही है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात याद हो गई। और अगर हम x लेस देन 0 पे जाएं तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो x लेस देन 0 है, ये रहा x लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि साइन x हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है x फॉर ऑल x लेस देन 0। तो यही सारी जॉर्डन इक्वालिटी के टाइप्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ से देखो बस सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी को याद रखना, आपको जो याद रखना है वो ये वाला पार्ट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ये वाला पार्ट। और ये कब ट्रू है, इस रेंज पे ट्रू है, जब x इसके बीच में लाई करेगा इस डोमेन में ट्रू है। और ये वाला पार्ट कब ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है जब भी पॉजिटिव हो, और ये उल्टा कब हो जाएगा, जब भी रियल नंबर्स नेगेटिव हो। तो ये सब आपको समझ में आ गया, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें देखनी है वो है कॉशी सीक्वेंस की। अगर आपको समझ में आ गया कि कॉशी क्या होता है, तब भी आप काफी कुछ कन्वर्जन प्रूफ कर पाओगे, वैसे वो भी थोड़ा लेंथी होता है, उसको भी हम अवॉइड ही करेंगे। एक बार हम टेस्ट सीख गए तो शायद हम कॉशी भी कम ही यूज करें, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए, पता नहीं एग्जाम में कब जरूरत पड़ जाए उसकी भी। तो कॉशी क्या कहता है, कॉशी सीक्वेंस क्या होती है? अब कॉशी सीक्वेंस यानी कि कन्वर्जन सीक्वेंस, अगर हमें दिखा दें कि एक सीक्वेंस कॉशी है तो पक्की बात है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो पक्की बात है वो कॉशी है, पर सिर्फ अगर हम रियल लाइन पर बात कर रहे हैं, रियल एनालिसिस के बाहर ये बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, पर रियल तक की बात सही है। तो कॉशी क्या कहती है, कॉशी कहती है ए एम माइनस ए एन अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एम कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ऐसी बात अगर सच हो जाए, यानी कि हमें एक ऐसा एन नॉट मिल जाए जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग करता हो, सच दैट उस सीक्वेंस में से अगर हम एम तक की टर्म्स में से सारी एन तक की टर्म्स को माइनस कर दें, एम टर्म में से एन टर्म माइनस कर दें, तो उसका डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, हमेशा किसी पॉजिटिव नंबर से कम आना चाहिए। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, हमें पता है हम यहाँ पे कोई एप्सिलॉन को कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, अगर ऐसा आए तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, कॉशी सीक्वेंस कहेंगे। और कॉशी है सीक्वेंस तो पक्का कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो पक्का कॉशी है। तो अगर हम ये बात भी प्रूव कर पाए तो हम इसे कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी लिख लो, भूल मत जाना, कॉशी इम्प्लाइज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इम्प्लाइज कॉशी, तो ये बात भी याद रखना। तो बस आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए, अब आपके बेसिक्स काफी हद तक हो गए, इसके बाद हम देख पाएंगे कि सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स इन सब बातों के बेसिस पे, और फिर हम देखेंगे टेस्ट्स, कुछ टेस्ट देखने के लिए कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसे कन्वर्जन टेस्ट बोलते हैं फॉर सीक्वेंसेस, और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, हर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ में ही करते जाएंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करो आईटी एग्जाम के लिए और जितने भी और एग्जाम्स हैं जो भी एमएससी से रिलेटेड आ रहे हैं, और एग्जाम करना ही कि फंड होता है,
कि हमेशा ये सोचना है कि हम क्लियर कर लेंगे. मेहनत करो और पॉजिटिव रहो तो एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा. ऑल द बेस्ट.